मल्होत्रा, आई एम द चेयरमैन ऑफ employability.max. आज हम यहाँ पे अपना पहला फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर अहमदाबाद के अंदर लॉन्च करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं. फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर में हमारा जो फोकस है वो सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को अपस्किल करने का, उनको उन टेक्नोलॉजी, उन वर्क प्लेस के बारे में बताने का है जो उनको रेगुलर यूनिवर्सिटी की डिग्रीज में नहीं मिलता. वर्ल्ड बहुत स्पीड से बदल रहा है. आपने न्यूज़ देखी होगी, बहुत जगह डेटा है कि 80 मिलियन से जॉब से ज़्यादा जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी अगले 2-3 साल में. पर ऐसी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि 90 मिलियन से ज़्यादा नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है. और वो इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फटाफट आ रही है. नाउ इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी आने से एकेडेमिया वाले, यूनिवर्सिटी वाले वो उस स्पीड पे चेंज नहीं कर पा रहे. यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं आजकल कि वो अपने कोर्सेज को चेंज कर रहे हैं. ज़रूरत कोर्स को चेंज करने की नहीं है, ज़रूरत है तरीके को चेंज करने की कि आप पढ़ाओगे कैसे. तो एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ के अंदर हम वर्क सिमुलेशंस को लेके आए हैं. हम बिल्कुल जैसे आप रियल लाइफ में काम करते हैं, हम वैसे ही एनवायरमेंट्स को लेके आए हैं ताकि आप उसके तहत सीख सकें. अब रियल लाइफ में कोई अकेले पढ़ता नहीं है, तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री में क्यों वो करें. तो इसलिए हम प्रोजेक्ट वर्क लेके आए हैं जहाँ पे आप इकट्ठे पढ़े, एक दूसरे के साथ करते हैं और रियल इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करते हैं. रियल इंडस्ट्री आपको प्रोजेक्ट देती है, 5 स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं और इस एक्सपीरियंशियल मास्टर कोर्सेज को हम कहते हैं एक्सपीएमसी, जो हम हमारे फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर के अंदर गुजरात में लॉन्च कर रहे हैं. बड़े सारे डोमेन्स हैं जिसके अंदर ये हम एक्सपीएमसीज को लॉन्च कर रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फाइनेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जितने भी आगे फ्यूचर के स्किल सेट है वो हम सब कर रहे हैं. जो डिफरेंस है हमारा डिफरेंस बाकी कोई भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अक्रॉस इंडिया में है कि हम इसको बिल्कुल एक्सपीरियंशियल, बिल्कुल वर्क प्लेस की तरह कराते हैं. आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी जॉब में हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर जॉब में जाने के लिए. अब आप कोई भी गेम भी खेलने जाते हैं तो उससे पहले प्रैक्टिस करते हैं ना. तो इसलिए आप वर्क प्लेस पे अगर जा रहे हैं तो आप अपनी जॉब करने से पहले आप ये प्रैक्टिस इसको मान के चलिए कि हम प्रैक्टिस करते हैं. हमारा कोलैबोरेशन है फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो ये एक्सपीएमसी इसको एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है और इस पे क्रेडिट देता है. हमारे ये सारे के सारे प्रोग्राम्स में जो हम यहाँ पे रन करते हैं, 4 तरीके के प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं. एक प्रोग्राम है स्कूल स्टूडेंट जो फिनिश करके आता है. जो स्कूल स्टूडेंट फिनिश करके आता है वो इसको ये जो एक्सपीएमसीज है वो अराउंड 7-8 महीने के एक्सपीएमसीज करके सीधा सेकेंड ईयर ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में जा सकता है. जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी बैचलर कर रहा है, ऑलरेडी मास्टर कर रहा है, अगर उसको अपनी डिग्रीज के अंदर बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए तो वो हमारे सेंटर में आके वर्क सिमुलेशन के तहत ये प्रोग्राम सीख सकता है. तीसरा हमारा प्रोग्राम है जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं, वो यहाँ पे आकर इस प्रोग्राम को करके 2-3 महीने का प्रोग्राम करके सीधा ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रेडिट एक्सेम्पशन लेके हमारे कैंपसेस में, मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, इन्हीं तरीके से आगे पढ़ सकते हैं. और फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो है उन कॉर्पोरेट्स वालों के लिए, उन जॉब करने वालों के लिए जिनको जरूरत पड़ रही है आजकल अपस्किल करने के लिए. जो साइबर सिक्योरिटी समझते तो है बट उनको पता नहीं कि करना कैसे है इसको. जिनको AI के बारे में सबको समझ आ रहा है और वो यूट्यूब में पढ़ रहे हैं बट उनको पता नहीं है कि AI के प्रोजेक्ट कैसे करने हैं, AI इंडस्ट्री के साथ कैसे लगना है. तो वो पूरे वर्क सिमुलेशंस में ये 4 प्रोडक्ट्स के लिए, वर्क सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के लिए, बिल्कुल इंडस्ट्री के वो स्किल्स देने के लिए जो आज की डेट में उनके लिए एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम सारे के सारे प्रोग्राम्स को लेकर अपने फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर में अहमदाबाद आए हैं, जहाँ पे आज हमारा पहला लॉन्च है. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे सेंटर्स पे, हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं. हमने हमारे यहाँ पे सेंटर में हमारे पास अराउंड 85 लिमिटेड सीट्स हैं, जिसके लिए आज ऑलरेडी हमारे पास 200 बच्चे आ रहे हैं सुनने के लिए. तो आई होप ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा और एज यूजुअल गुजरात के स्टूडेंट्स इसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे. See, what is the duration of this course and what is the fee structure? सर ये जो कोर्स है, जो अपस्किलिंग के कोर्स है, 1 महीने का एक कोर्स है इंडस्ट्री सिमुलेशन का. तो अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री पढ़ रहा है जिसमें उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ रही, तो वो आके सिर्फ 1 महीने भी कर सकता है और एक इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कर लेगा.
अगर उसका मन है बाहर जाकर मास्टर्स करने का, तो हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट बच्चा है तो हमारे यहाँ पे आके 2 से 3 महीने पढ़ के सीधा यूनिवर्सिटी में चले जाएगा कोर्स करने के लिए, और अंडर ग्रेजुएट है तो वो स्कूल खत्म करने के बाद सीधा आएगा 8-9 महीने हमारे साथ करके सीधा यूनिवर्सिटी में 2 साल चले जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे अगर वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लेता है तो हमारे कोर्स की फीस सिर्फ 10% है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली 10% ही सिर्फ फी है बाहर की, जो यहाँ पे हम इसको ऑफर करते हैं। Would they get a scholarship? Of course. एक्सपीरियंसी प्रोग्राम है, एना सीवाय कोई स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है जैसे अँ 8 महीना स्टडी कर पीछे आगे भरवा जो तो जी सके आईटी ने बता प्रोग्राम्स है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने अँ अमदावाद में कलासागर मॉल है त्या आप फ्यूचर वर्क सेंटर आप ओपन कर रहा है नेक्स्ट 10 डेज में, तो त्या बदा स्टूडेंट आई स्टडी कर सके स्टडी साथ एक कहूँ क्रेडेंशियल एक यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट मिले है जे आई थिंक बदा ने खबर है कि फेडरेशन यूनिवर्सिटी है। सर आ कोर्स के कोर्स स्टार्टिंग ड्यूरेशन 4 वीक 9 महीना सुधीनों से हमें कया कोर्स में एनरोल था ये स्टूडेंट पर डिपेंड है। आप स्टूडेंट ने बड़ा ऑप्शन आप अलग अलग फॉर एक्जाम्पल कोई बेचलर डिग्री फिनिश थी गई राइट हमें स्टूडेंट मास्टर रही है मास्टर मैं मास्टर करें हमें पोता में एक कोई आईटी कोई स्किल अपस्किल जम कहवा कि डिग्री की जरूरत है कोई तो पहले मैंने अँ भावीशू राइट 1 થી 2 યુનિટ स्टडी कराईशू देन पछी ए लोको डिसाइड करशे कि हवे मने आगळ भणवुं छे फर्धर स्टडी सेम पेटर्न में तो आपणे एने ऑस्ट्रेलिया मोकलीशुं भणवा माटे। हवे एम लागे कि ना मने अहींया ज रहेवुं छे तो आपणे एने 1 થી 2 યુનિટ भणाईने एने एक सर्टिफिकेट आपीशुं क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट जे employability.life फेडरेशन यूनिवर्सिटीनुं सर्टिफिकेट हशे जेथी एने अहींया जॉब में एक अपग्रेड कहेवाय ने कि स्किल में एने अपग्रेडेशन मळी शके सैलरी पार्ट थी लई अने एना डेजिग्नेशन नाम Australia, right? But why you have chosen Federation University only? So start ऐसे हुआ कि एक तो हमने पिछले 20 years से Federation के साथ we are working. And जब Professor Bentley came as a Vice Chancellor, he decided to make Federation University as the first cooperative university of Australia. अब कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी व्हाट इज कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी आई लेट प्रोफेसर डंकन बेंटली टॉक अबाउट इट। सो ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इज ट्राइंग टू डू दिस इंटीग्रेशन विद वर्क एंड एकेडेमिया। वी आर अ स्मॉल यूनिवर्सिटी एंड सो वी आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द साइज टू बी एजाइल निम्बल एंड वी हैड long experience in Australia with all of our students doing internships with industry on our campus in a technology park. You might say, well, what is your ranking? I'm not interested in my university in rankings. What I'm interested in is the ranking of my industry partners. And so in our technology park, we have some of the top companies in the world. That is what I'm interested in. And because of that, and because all of our students and alumni and those who are connected with us are absolutely integrated with industry, that is a very clear differentiation of my university with other universities. We're also collaborating across some of the major sectors. We are based in the region in Victoria, and
their 40% of the GDP of Australia is from the regions. We're not right in a competitive environment in the middle of the CBD. So we practically are working with agribusiness, with energy, with mining, with logistics, supply chain, advanced manufacturing. And so my partnership with Dr. Malhotra and the university's partnership, long before I came, gave us the long-standing relationship, which meant we could, one, trust each other, we had a similar vision, we had a similar commitment, and it's very difficult to find that between a university and with a partner like Employability Life. So it's a good marriage, but it's also based on a vision which is very different from any other institution. And just Iskandar, I'll just make final comment on that. Ki there are three main aspects jo Employability Life mein bhi hote hain, and that Federation University is also doing that. So they're becoming the first cooperative university of Australia. To iska kya matlab hai? There are three things uske andar ki jo bhi hum padhayenge, our courses are co-developed with industry. We don't want to develop through only academics. We don't want to do, we want our academics to work with industry to co-develop the courses with industry. So that's number one. And that's exactly the same for Federation and for Employability Life. That is why it's a good marriage. Co-develop the program with industry. Second is co-deliver the program so that we also call industry to be part of our delivery of program. Sirf koi purane fashion ke teachers nahi hai, sirf koi purane classes nahi hai, industry aaye aur industry apne, industry ke project managers aaye, industry ke product owners aaye aur deliver kare program. Aur teesri cheez hai co-assess. To co-design, co-develop, co-develop, co-deliver and co-assess. Kyunki assessment itni important hai, agar industry ke saath nahi ho, तो असेसमेंट फिर एक एग्जाम पेपर बन के रह जाती है. वो होता है कि एग्जाम कर लिया, कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए. हम उस मार्क्स के उस एग्जाम के चक्कर में नहीं जाते क्योंकि वो इंडस्ट्री देखती नहीं है. कौन सी इंडस्ट्री पूछती है कितने मार्क्स है कितने नहीं है, कोई नहीं पूछता आज की डेट में. आज की डेट में सारे के सारे ये कहते हैं कि आप बताइए आपके अंदर स्किल्स क्या थे. क्वालिफिकेशन तो सबके पास है. यहाँ पे लाखों बच्चा निकल रहा है, BCA करके, बैचलर ऑफ कंप्यूटिंग करके, BBA करके, पता नहीं कितने लोग निकल रहे. एक एक करोड़ बच्चा यहाँ पे ग्रेजुएट होता है हर साल पे. और उसमें ये जो तीन एस्पेक्ट है, ये फेडरेशन में भी कॉमन है, को डेवलप, को डिलीवर प्रोसेस और एम्प्लॉयमेंट लाइफ में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अगेन ईच ऑफ यू that suppose if a single student is enrolling as a student, starting from taking his Indo account means enrolling him to the placement, what would be your role in each one of your roles? What will be the role of each and So a student coming into our course, there are different kinds of students who would come. Basically, at the outset, they will all come because we bring in that work simulation for the student. I would like to know how you will feel and what kind of test you will take, whether the student is capable of reaching where you want him to reach. Whether he is capable or not, is there any test that you are going to take or not? As far as the assessment or test is concerned, we obviously have certain parameters, and the parameters could be academics. One, there is a short interview we obviously evaluate, and there is a set of behavioral aspect assessment which we take, which analyzes the student's understanding about future of work. The new workplaces, so we analyze this. Bachelor degree कर रहे हैं, वहाँ पे regular master degree कर रहे हैं. हम ये programs उनके existing courses के अंदर introduce कर रहे हैं हमने. और हमारे पास है hundreds में बच्चे पूरे north से लेकर south तक इस program में पढ़ रहे हैं. और सारे के सारे 90% plus बच्चे हैं.
और वो सारे के सारे कोर्सेज कर रहे हैं और अपनी वर्क प्लेसमेंट को बेटर कर रहे हैं। तो जैसे आपको राजा जी ने बताया पहले, दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन ये जो सिमुलेशन है, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स की सिमुलेशन कर रहे हैं जो कि अभी इंडिया में यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है। तो हमारा सबसे पहला पर्पस है इंडियन इंस्टीट्यूशंस को इनेबल करना वो स्किल सेट के साथ जो इंडिया के स्टूडेंट्स को ग्लोबल पावर बना सकता है। नाउ ऑस्ट्रेलिया में फेडरेशन यूनिवर्सिटी इज अ ग्रेट पार्टनर बिकॉज एग्जैक्टली सेम फिलॉसफी प्रोफेसर बेंटली ऑल्सो हैज, विच हैज अ ह्यूज यू नो कंपैशन एंड ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ bringing these skill sets to Indian institutions. Now, setting up Indian institution or Indian foreign university, we are not looking for that right now. What we are looking is that how we can collaborate with majority of Indian university to help them and enable them to have these skills that will help their graduates to become global workforce. Because we want to provide transferable skills to them where they can use those skills and can work anywhere in the world. So that is one thing. And why this is important and why again, as aapne pehle pucha tha, why this? Because Professor Bentley has changed 150-year-old public university in Australia with this new concept, with this new cooperative education, with this industry-oriented programs in that. And every student now at Federation University get a full-time placement, paid placement while they're studying their program. So he wants to bring that experience to Indian universities and communicate with that. Do din pehle, we did a workshop, we invited over 20 vice chancellors of India in our workshop in Goa. They came there, we did the whole day workshop, explaining them that the experiences that Professor Bentley had over the last 4 years of changing his university and what they need to see that how they can bring those changes into those in Indian universities so that they can also change into a similar style of teaching, delivery, graduate ready and so on. I just like to say that it's incredible to see the hunger and passion among Indian universities for the ability to change and meet the transformation. You look around the world globally, the CEOs of so many of the top companies are from India. Indian students are absolutely seizing the opportunities globally. And so you ask, why would Federation come to India? We're coming because we have so much to learn. And when I sit down with so many Indian vice chancellors and we can discuss how do you actually bridge that gap between academia and industry, and we can have workshops on those solutions, and we can provide examples and pilot and trial things like the experiential master credentials and see how it works. And they, the one where we've already done it in with Indian universities in partnership, they get so excited about it, the students love it, the employers like it. That's what I love to see, that real impact on young lives. Any more questions? I think electronic.